खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां मुरादाबाद रेल मंडल के यात्रियों को आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई। इस बार ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन देहरादून से लखनऊ के लिए चलेगी। मुरादाबाद और बरेली स्टेशन पर इसका ठहराव रहेगा। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर वंदे मातरम ट्रेन का पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय विधायक मदन कौशिक और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई सौगात देशवासियों के लिए लाभान्वित होगी। अब 12 घंटे का सफर मात्र 5 घंटे में तय कर सकेंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का सफर पूरा कर लिया और 100 ट्रेनें आज देश के अंदर वंदे भारत का संचालन हो गया है और हमारे राज्य को एक वंदे भारत ट्रेन पहले मिली थी जो दिल्ली से देहरादून से दिल्ली तक की थी और दूसरी ट्रेन आज हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी है जो देहरादून से लखनऊ तक जाएगी। तो ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके निवेदन माने प्रधानमंत्री जी ने ये वंदे भारत ट्रेन दी है, उनके प्रयास से हमारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमको उत्तराखंड वासियों को ये ट्रेन मिली है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, सभी उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से विकसित भारत की जो यात्रा है उसके अंदर इस रेल कनेक्टिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आने वाले समय में रेल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दृष्टि से जो रेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो लगातार काम किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो बहुत ही सराहनीय है। ट्रेन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अहमदाबाद से 85,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं भारत में संचालित की जाती हैं उनमें उत्तराखंड राज्य प्राथमिकता में होता है। आज भी वंदे भारत जो देहरादून से लखनऊ के लिए ट्रेन अभी रवाना हुई है, देहरादून से निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। जहां वंदे भारत से लोगों को लखनऊ जाने में सुविधा होगी, वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है हरिद्वार के लिए खासतौर पर। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी अनेक ट्रेनें उत्तराखंड को मिली हैं जो देश के विभिन्न बड़े शहरों को या धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम बहुत ही अच्छी है। बहुत टाइम से पहुंच जाएगी लखनऊ, पहले बहुत लंबी टाइम लगता था, 15-15 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में पहुँच जाएंगे, बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। सारी मूवी अच्छी है, रेलवे हो रोड हो सब में अच्छे काम हो रहा है। किराया महंगा है लेकिन क्या लगता है महंगा क्या है? आज महंगाई के हिसाब से देखो तो क्या बढ़ रहा है, रेलवे का कुछ भी नहीं बढ़ रहा, 15-20 साल में देखो तो अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए हिंदुस्तान में अब आगे वाले समय में इंसान को केवल सुविधाएं चाहिए, मनी इज नॉट ए मैटर। मनी इसलिए मैटर नहीं है कि जितनी तरक्की से आदमी पैसा कमा रहा है सुविधाएं चाहता है, वो भी सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अगर अच्छी होंगी तो मन प्रसन्न होता है। क्योंकि अगर आपका पैसा भी चला गया, चाहे आपने पैसा कम दिया लेकिन सुविधाएं जीरो है, तो इंसान खुश नहीं रह सकता है। इंसान को अब सुविधाएं ज़्यादा चाहिए, उसको पे करने के लिए तैयार है।